डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार, आइए आइए, यहाँ बैठ जाए डॉक्टर साहब। यहाँ बैठिए बैठिए। क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब ठीक नहीं, बहुत मतलब हमारी कंडीशन ऐसी है डॉक्टर साहब इस समय कि हम ना बता पा रहे हैं ना छुपा पा रहे हैं। और समझ लीजिए हमारा डेढ़ साल से, पिछले डेढ़ साल से इलाज चल रहा है हमारा, लेकिन कोई डॉक्टर ठीक कर नहीं पा रहा है। हर जगह से जवाब मिल गया है डॉक्टर साहब, ये रिपोर्टें हैं हमारी, देखिए सब नॉर्मल। और दिक्कत इतनी है हमारी, इतनी दिक्कत है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या 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 दिक्कत है, बताइए तो क्या क्या दिक्कत है। अब दिक्कत जैसे ये है कि रात में सोते समय से घुटन से महसूस होती है एकदम, जैसे सांस ले रहे लगता है, सांस पलट के आई नहीं रही, मर जाएंगे डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है रात ही रात में कुछ हो जाएगा। तो ये सिर्फ रात में सोते समय होती है कि दिन में भी? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं रात में बहुत ज्यादा होती है, दिन में तो इतनी नहीं होती, दिन में तो थोड़ा बहुत काम दौरानी कर लेती, रात में सारा काम डॉक्टर साहब हमें करना पड़ता। बताइए घुटन नहीं होगी, हम सब्जी भी बनाए, हम रोटी, हम शरीर की बात करिए, आप तो घर परिवार की बात। हाँ हाँ वही वही शरीर, मतलब ये जब सारा काम एक ही आदमी पड़ जाएगा उसको घुटन तो होगी ना, वही ब्रीदिंग प्रॉब्लम डॉक्टर साहब। नजला उजला भी रहता है क्या आपको? नहीं नजला उजला सब ठीक है, सब ठीक है। पता नहीं हमको लगता है कि डॉक्टर साहब हमको रात में ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है पूरी। मिलेगी मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगी, हम दवा देते हैं। अच्छा और क्या क्या बीमारी है आपको? और डॉक्टर साहब ऐठन बहुत है, हर आदमी में घर की इतनी ऐठन है, इतनी ऐठन है, और जब हम ऐठते हैं तो सबको बहुत दिक्कत होती है। तुम ऐठोगे तो हम नहीं ऐठेंगे डॉक्टर साहब, बताइए। अपने शरीर की बात बताइए आप, तो वहाँ घर इतना दिमाग में टेंशन है ना डॉक्टर साहब की, वह क्या हमारे ऐठन डॉक्टर साहब, ये चीज ये पैर देख रहे हैं, ये अरे बाप रे बाप डॉक्टर साहब, आटा वाटा सानना, रोटी सेकना, हम खड़े हो ही नहीं पाते हैं, ये सब ऐठा ऐठ जाता है हमारे। और कोई बीमारी वगैरह है? इस कदर जलन होती है, इस कदर जलन होती है, अब कल हमारे देवर कार ले आए बड़ी वाली, तब से तो हमारी इतनी जलन है, इतनी जलन है कि हम बता नहीं सकते, हमको लगता है जल बुन के खाक ना हो जाए कहीं। अरे भैया शरीर में कौन सी बीमारी है? बता ये पेट में डॉक्टर साहब बहुत जलन है, ये इतना जलता है यहाँ से यहाँ तक। जैसे क्या खा लिया था कल आपने? अरे यही देवरानी ने कुछ खिलाया था हमको, और खिलाया रसगुल्ला और डकारे हमको सब खट्टी आ रही, कुछ नहीं हमने अपना बनाया हुआ खाते हैं, हमें थोड़े ना सब दिक्कत। नहीं ये सब प्रॉब्लम होती कब कब है? अरे ये कब कब क्या, अभी जब जैसे घर में कोई बड़ा फंक्शन है तो हमारे जैसे, तब तो हमारी इतनी उलझन बढ़ जाती, इतनी सब दिक्कतें एक साथ हो जाती, या कहीं पे सब लोग घूमने जाए या घर में कोई गेस्ट आ जाए, हमें सब दिक्कतें डॉक्टर साहब एक साथ हो जाती हैं, अब सब लोग सोचते हैं कि हम नाटक कर रहे। बताइए डॉक्टर साहब नाटक है ये सब? नहीं नाटक वाटक का थोड़ी ना करते हैं, वो तो शरीफ लग रही है, शकली से दिख रहा है, इतना परेशान है जो आदमी, पर सोचिए आप चैन की सांस ना ले पाए उसकी क्या हालत हो। हम आपकी बात समझ रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब एक अच्छा एक चीज ये बताइए, ह्यूमिडिटी कुछ होता है? ह्यूमिडिटी जैसे बड़ा हमारे जैसे देवरानी, हमने देखा है दो गोली ह्यूमिडिटी खाती है और सबसे ताबड़तोड़ लड़ती है, हमें भी कोई ऐसी गोली दीजिए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी नहीं होता, इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी इससे क्या होता है? लोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। अच्छा रोगों से, हाँ रोगों से लड़ने की। डॉक्टर साहब हमें भी दीजिए ये वाली दवाई, कौन सी है आपका? हम देखिए समझ गए हैं, आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है।